हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे सॉल्व राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि है मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो चलिए हम पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो मिलेगा 1 मार्क्स, अगर एक गलती करते हैं तो डिडक्ट होगा 0.25, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हैं तो बस आपका 1 मार्क्स ही डिडक्ट होगा एग्रीगेट मार्क्स से। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ वाई एंड बी इक्वल टू वाई परसेंटेज ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन है ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 9, मतलब ये क्या है, 9 + 18 + 27 + 36 + 45। तो करेंगे तो ये आएगा 135 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है बी 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ए थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसका ऑप्शन है डी 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, तो इसका हम फाइंड करते हैं तो इसका ऑप्शन है 4C, सी ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी रोम्बसिस आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी 14। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई सो ए डैश ऑफ काउस इन द फील्ड, तो इसका ऑप्शन है बी हर्ड। आई सो ए हर्ड ऑफ काउस इन द फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड - आनंद भवन, तो इसका ऑप्शन है एट आनंद भवन। ओके, 8 देखते हैं। इंडियास पीवी सिंधु ओन विच मेडल पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022, तो इसका ऑप्शन है सी ब्रॉन्ज। श्रिया सिंगला वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द 24th दीप ओलंपिक्स प्लेस विच स्पोर्ट्स, तो इसका है ऑप्शन सी बैडमिंटन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन है बी 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच इंटरचेंज ऑफ साइन विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, तो इसका ऑप्शन है बी प्लस एंड माइनस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वोमेन सेड ही इज़ द वनली सन ऑफ द मदर ऑफ माय मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, तो इसका ऑप्शन है डी मैरिटल अंकल। ऑप्शन 13 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर मिसिंग टर्म इन, तो इसका देखिए ये है वोवेल्स AEIOU, तो इसमें क्या है यू नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा CU। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विंडो इज ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी विल राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल, तो इसका ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन मैथमेटिक्स, तो ये है डी नोबेल प्राइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन मैथमेटिशियन, तो इसका है 17 का ए है श्री निवासा रामानुजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इज टू बी राइज्ड अप टू द परसेंटेज बाय 2035, इसका ऑप्शन है सी 50%। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2L एंड ब्रेथ L इज रिवॉल्व वंस कम्प्लीटली अराउंड इट्स
length and once around its breadth. The ratio of volume slipped in the two cases is, इसका है ऑप्शन ए 1:2. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. इफ़ वर्क इज कोडेड एज 4, 5, 6, 7 एंड मैन इज कोडेड एज 3, 2, 8 देन वोमेन इज कोडेड एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए 4, 5, 3, 2, 8. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन होगा सी. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. विच ऑफ दिस वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, तो इसका ऑप्शन है सी. विच वन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट ऑफ द इंडिया, तो इसका है ऑप्शन सी अजंता. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. ए ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, इसका ऑप्शन है डी वेरी लार्ज डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. द नेक्स्ट पेयर ऑफ लेटर इन द सीरीज ए जेड सी एक्स एफ यू डैश इज, ये देखिए ये पहले असेंडिंग पहले शुरू से लिया गया है उसके बाद लास्ट से लिया जाएगा. जैसे ए ए को जेड से रिलेट किया गया है, सी को एक्स से रिलेट किया गया है, एफ को यू से रिलेट किया गया है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा तो आपको देखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट में आएगा जे क्यू ए ऑप्शन विल राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. इफ ए पर्सन स्टडी अबाउट फ्लूड विच इज एट रेस्ट व्हाट विल यू कॉल हिज डोमेन ऑफ स्टडी, तो इसका ऑप्शन है बी फ्लूड स्टेटिस्ट. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 28 विच इज डायमेंशनल लेस, इसका ऑप्शन होगा ए एनर्जी बाय वर्क. क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और इसका ऑप्शन होगा सी. क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका ऑप्शन है ए. 31 देखते हैं. ए बॉडी एट द रेस्ट में हैव, इसका है एनर्जी. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इसका ऑप्शन है ए 1/s. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+1 इज, इसका ऑप्शन होगा बी ई. ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा. क्वेश्चन नंबर 34 द शॉर्टकट की विच इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड इज, इसका ऑप्शन है सी F7. क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं. डैश इज नॉट ए यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन है माइलस्टोन डी. ठीक है, 36 द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी ऑफ SI यूनिट इज, इसका ऑप्शन है सी जूली. 37 द पॉइंट वेयर द न्यूटन रैफसन मेथड फेल आर कॉल्ड, 37 का सी है स्टेशनरी पॉइंट. 38 का देखते हैं. 38 का है ऑप्शन ए. 39 का ऑप्शन है सी. 40 का ऑप्शन है डी. अब मैं इसीलिए जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए 40 का है डी, 41 का है बी, 42 का है डी क्लोसेट, 43 का है ए, 44 का है सी, 45 का है डी, 46 का है सी, 47 का है बी, 48 का है डी, 49 का है डी, 50 का है सी, 51 बी,
52D, 53B, 54C, 55A, 56B, 57C, 58B, 59C, 60B, 61A, 62D, 63B, 64B, 65C, 66A, 67B, 68D, 69A, 70D, 71A, 72D, 73B, 74A, 75A, 76C, 77C, 78D, 79B, 80D, 81D, 82B, 83C, 84B, 85C, 86B, 87B, 88D, 89B, 90B, 91B, 92A, 93A, 94A, 95C, 96A, 97A, 98C, 99A and 100D. That's all for this video. अगर आपको कहीं शक लग रहा है कि मैंने ऑप्शन ऐसा गलती बोला है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप मेरा आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।